और पुलिस की नाक पर फायरिंग करके बदमाश भग गए। ये भैरोड पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। कैसे कैसे गुंडागर्दी पुलिस की चलेगी। भैरोड जो अस्पताल है उसके अंदर कितने सारे पेशेंट, जिला भैरोड तहसील का केंद्र बिंदु है एक प्रकार से, उसके अंदर दो अपराधी गिरोह के अंदर गैंगवार की घटना हुई है पुलिस की मौजूदगी के अंदर, और पुलिस को इस बात का इत्मीनान रखे बगैर कि ऐसे दुर्दांत बदमाश को तीन आदमियों कस्टडी के अंदर अस्पताल में लेकर चले गए और पुलिस की नाक पर फायरिंग करके बदमाश भग गए। उस घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन सब ब्रांड और सोशल और पॉलिटिकल लोग हैं, उन पर दूसरे तरीके से वो उनको फंसा कर इस घटना में, और वो जो महत्वपूर्ण घटना है अस्पताल की, जिसके अंदर दुर्दांत बदमाश पुलिस की नाक पर पहले तो भैरोड थाने से पपला को छुटा कर ले गए, और अब दूसरी घटना भैरोड के अंदर जो अस्पताल के अंदर जिस तरीके से गोलीबारी की घटना हुई है, ये भैरोड पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। तो इस बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन सोशल और पॉलिटिकल लोगों को यहाँ झूठा फंसाया जा रहा है। इस बात को लेकर हम सब सोशल पॉलिटिकल लोग, इसमें कोई पार्टीबाजी का काम नहीं है, पुलिस की अराजकता के खिलाफ एक होकर, और अभी उनका इंतजार कर रहे हैं, नहीं शाम तक ये यहाँ पर बताएंगे कि इस तरीके से कैसे गुंडागर्दी पुलिस की चलेगी। बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बदमाशों को पकड़ना चाहिए, जिन बदमाशों को उस समय गिरफ्तार करना चाहिए था, कौन रोक रहा है बदमाशों को पुलिस को पकड़ने के लिए, वहां तो कोई कामयाबी मिली नहीं। और इन सोशल और पॉलिटिकल लोगों को, निरी लोगों को जो निर्दोष हैं, उनको यहां लाकर बंद कर दिया, इसकी घोर निंदा करते हैं। और यदि इनको जल्दी ही यदि मुक्त नहीं किया गया तो यहां पर सब लोग मिलकर थाने के खिलाफ घेराव करेंगे और धरना और प्रदर्शन करेंगे।